दोस्तों, जैसे ही इस ड्रामे की शुरुआत होती है वैसे ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो दिखने में काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। दोस्तों, इस खूबसूरत लड़की का नाम गाय था जो अपने स्कूल में क्लास अटेंड कर रही होती है और तभी हम देखते हैं कि गाय जिस सीट पर बैठी है उसके आगे वाले सीट पर एक फ्लावर रखा हुआ है, जिससे ये साफ था कि उस सीट पर जो लड़की बैठा करती थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गाय को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसे टेंशन होने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी क्लास टीचर से परमिशन लेकर बाथरूम की ओर जाने लगती है। दोस्तों, गाय जब बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी तब हम देखते हैं कि स्कूल की दीवार पर दो लड़कियों की फोटो लगी हुई है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है जिसको देखने के बाद आप सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, दरअसल जिस लड़की की फोटो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो लड़की अब उसी फोटो में स्माइल करती हुई गाय को बाथरूम जाते देखने लगती है और गाय जैसे ही थोड़ी और आगे बढ़ती है तो अचानक ही वहाँ की सभी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है, जिसके बाद गाय बाथरूम के अंदर चली जाती है और तभी हमें उस हॉल के अंदर एक स्पिरिट को दिखाया जाता है। दोस्तों, वॉशरूम के अंदर आकर गाय अपने टेंशन खत्म करने के लिए जैसे ही सिगरेट चलाने की कोशिश करती है कि तभी उसे उसके बगल वाले सभी वॉशरूम के दरवाजों के जोर जोर से खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, गाय अचानक हुए इस इंसिडेंट को देख कर काफी ज्यादा डर जाती है और बाहर जाकर ये चेक करने की कोशिश करती है कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है, मगर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो एक बार फिर से वॉशरूम के अंदर जाकर अपने सिगरेट को जलाने लगती है। लेकिन इस बार उसे दोबारा उसे वही आवाज़ें सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसे अब और भी ज्यादा डर लगने लगता है और उसका लाइटर अचानक से नीचे गिर जाता है। दोस्तों, गाय जैसे ही अपने लाइटर को उठाने के लिए नीचे झुकती है तब उसकी नज़र उसके बगल वाले वॉशरूम के दरवाजे पर पड़ती है जो अपने आप ही खुलने और बंद होने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ मानो ऐसा लगता है कि जैसे कोई गाय को ढूंढ रहा था। अब गाय के लिए इन सभी चीजों को देख पाना काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि गाय अब पूरी तरह दहशत भरे माहौल को अपने आसपास फील कर रही थी, पर इसके बावजूद भी गाय हिम्मत करके नीचे झुकती है और ये देखने की कोशिश करती है कि आखिर बाहर कौन है। मगर तभी वो देखती है कि अचानक उसके सामने किसी लड़की का भूत आ गया है जो उससे कह रही है कि उसने उसे ढूंढ लिया है। इस नजारे को देखकर गाय और भी ज्यादा डर जाती है और पीछे हटने लगती है, मगर वो स्पिरिट गाय को खींच कर बाहर निकालता है और उसे जान से मार कर उसकी बॉडी को कमोड में उल्टा लटका देता है। और इसी के साथ इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड का अंत यही हो जाता है। दोस्तों, सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक कार ड्राइवर को दिखाया जाता है जो आधी रात में कार ड्राइव कर रहा था, मगर रात बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी नींद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से उसे अपनी कार को वही साइड में रोककर अपनी नींद पूरी करनी पड़ती है। दोस्तों, ये ड्राइवर अपनी कार में अभी सो ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ एक अनजान लड़की आकर उसकी कार में बैठ जाती है और बैठने के बाद इस ड्राइवर को बताती है कि उसे एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ एक होटल है जो अभी भी ओपन है। वो आगे उस ड्राइवर को बताती है कि तुम कैसे भी करके मुझे उस होटल तक छोड़ दो, जिसके बाद वो ड्राइवर उस लोकेशन को अपने मोबाइल फोन के GPS पर चेक करने लगता है ताकि उसे वहाँ पहुँचने में आसानी हो। मगर जब ऐसी कोई जगह मौजूद ही नहीं थी तो आखिर उसे मिलती कैसे। अब वो ड्राइवर उस लड़की से पूछने लगता है कि यहाँ तो ऐसी कोई भी जगह मौजूद नहीं है, जिसके जवाब में वो लड़की उसे बताती है कि वो उसे जैसे गाइड करेगी उसे ठीक वैसे ही चलाना है क्योंकि उसे उस जगह के बारे में पता है। उसके इतना कहते ही वो ड्राइवर उस पर भरोसा करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाने लगता है। अब थोड़ी दूर आ जाने के बाद वो लड़की उस ड्राइवर को बताती है कि उसे अब कार को राइट साइड में मोड़ना है, लेकिन दोस्तों वो ड्राइवर उसकी बातों को सुनने के बाद शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वहाँ असल में ऐसी कोई भी जगह थी ही नहीं। वो उस लड़की की बातों को
इग्नोर करता हुआ अपनी कार को आगे बढ़ाने लगता है, मगर वो लड़की उससे बार बार सिर्फ एक ही बात कर रही थी कि कार को राइट साइड में मोड़ो। उस लड़की की बातों से तंग आकर उस ड्राइवर को उसके ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से वो गलती से उसे पागल बोल देता है और उससे आगे कहता है कि उसने उसे अपनी कार में बैठा कर शायद गलती कर दी। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि असल में तो उस कार में कोई लड़की बैठी ही नहीं थी। अब आगे हम देखते हैं कि उस कार ड्राइवर के पीछे से दो हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। वो ड्राइवर अभी भी ये सोचने में लगा था कि आखिर इतनी देर से वो किससे बात कर रहा था कि तभी उसे उसकी कार के सामने वही लड़की दिखाई देती है जो कुछ देर पहले उसके साथ उसकी कार में बैठी थी। अब उस कार का ड्राइवर ब्रेक लगाकर अपनी कार को रोक देता है, मगर उसके तुरंत बाद ही वो देखता है कि वो लड़की दोबारा अब उसकी कार में बैठ चुकी है, मगर इस बार मामला पहले से कुछ अलग था क्योंकि इस बार वो लड़की बिना आंखों के उसकी कार में बैठी थी, लेकिन उसके हाथ में दो आंखें थी जिसको वो उस ड्राइवर के आंख के सामने रख देती है और फिर वो उसको मारकर उसकी भी आंखें निकाल लेती है, जिसके बाद सेकेंड एपिसोड भी यही खत्म हो जाती है। अब थर्ड एपिसोड में हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम साईरोम था। दोस्तों, साईरोम एक सोशल मीडिया सेंसेशन है जो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज लाइव शो किया करती थी और इसी की मदद से वो अर्निंग भी कर रही थी। दोस्तों, साईरोम अपने लाइव शो में सभी को ये बता रही थी कि उसने रिसेंटली एक न्यू होम परचेज किया है और वो दिखने में कैसा लगता है, ये सवाल भी वो अपने सभी फैंस से उस लाइव शो के अंदर पूछ रही थी। मगर इसी दौरान उसके पीछे रखा एक टेडी बियर अपने आप नीचे गिर जाता है और इस इंसिडेंट को देखकर उसके सभी फैंस उससे कहने लगते हैं कि ये इंसिडेंट फेक है या फिर उसके रूम में सच में कोई स्पिरिट है। मगर साईरोम उन सभी की बातों को इग्नोर कर उस टेडी बियर को उठाकर अपने पास रख लेती है और दोबारा से अपने फैंस से बातें करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बार फिर से उसके पीछे रखा एक बुक अपने आप नीचे गिर जाता है और अब की बार भी उसके फैंस का वही सेम रिएक्शन था। लेकिन साईरोम को वाकई में इस बार वहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा था और उसके फैंस भी उसे वहाँ से भागने की बात कर रहे थे, जिसके बाद साईरोम अपने लाइव शो को बंद कर अपना मेकअप करने में बिजी हो जाती है और खुद से कहने लगती है कि टेडी बियर वाला प्रैंक उसी ने ऑर्गेनाइज किया था। दोस्तों, साईरोम ने भले ही लाइव शो बंद कर दिया था, मगर उसके फैंस उसको अभी भी देख रहे थे क्योंकि उसका लाइव शो अभी भी ऑन था और वो उसे ऑफ समझकर अपने नॉर्मल बिहेवियर में आ जाती है, जिसके बाद साईरोम फाइनली अपने इस वीडियो को अपलोड करने के लिए अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लेने लगती है। मगर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसका कैमरा न सिर्फ उसे बल्कि बाकी लोगों के ऊपर भी फोकस कर रहा था। दोस्तों, साईरोम सेल्फी क्लिक करते वक्त ये नोटिस करती है कि उसकी सेल्फी में उसके अलावा और भी कोई लोग मौजूद हैं। इस इंसिडेंट को देखकर साईरोम की रूह कांप जाती है और वो डर कर अपने फोन को नीचे फेंक देती है। उसके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि कोई अनजान चीज साईरोम के सर को पकड़ कर उसे अपनी पूरी ताकत से टेबल के ऊपर मारने लगती है। दोस्तों, लाइव शो के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वहाँ साईरोम के अलावा और कोई भी नहीं है। इसी वजह से उसके सभी फैंस को उसकी मौत का नजारा भी एक प्रैंक ही लग रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि उस स्पिरिट ने साईरोम को जान से मार दिया है और वो अब उसकी जगह पर लाइव शो कर रही है। यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि साईरोम के सभी फैंस को अभी भी ये सब मजाक ही लग रहा था। दोस्तों, साईरोम की मौत के साथ ही ये थर्ड एपिसोड यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ड्रामा के फोर्थ एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम दो स्टूडेंट्स को एक साथ कुछ हॉरर वीडियो देखते हुए देखते हैं, जो इस वीडियो को गलती से फेक समझ लेती है और अपने स्कूल के अंदर चली जाती है। दोस्तों, असल में इनके स्कूल की छुट्टी काफी पहले ही हो चुकी थी, पर ये दोनों अपनी कुछ बुक्स अपनी क्लास में ही भूल आई थी, इसलिए इन्हें उन बुक्स को लेने के लिए दोबारा स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों
स्कूल की सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो इनमें से एक लड़की का पैर अचानक फिसल जाता है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरी बुक्स तुम्हें वापस ले आओ। जिसके बाद ये लड़की अपनी फ्रेंड की बात मानकर अकेली ही अपनी और उसकी बुक्स लेने के लिए क्लासरूम में घुस जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बहुत डरावनी दिखने वाली डोल से होती है। दोस्तों, दरअसल इस डोल को यहाँ उसकी फ्रेंड ने ही रखा था ताकि वो इसको देखकर डर जाए, और यहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये डोल वाकई में एक भूतिया डोल थी जो किसी स्पिरिट के वश में थी, मगर ये बात इस लड़की की फ्रेंड को नहीं पता थी। अब आगे हम देखते हैं कि ये लड़की उस डोल को इग्नोर करती हुई अपनी और अपने फ्रेंड की बुक्स को लेकर क्लासरूम से बाहर निकल रही होती है, मगर बदकिस्मती से उस डोल के अंदर से एक लड़की की स्पिरिट बाहर निकलती है जो काफी अजीब तरह से इस लड़की को फॉलो करने लगती है। अब इस डरावनी स्पिरिट को देखकर ये लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागकर नीचे जाने लगती है, पर तभी हम देखते हैं कि ये लड़की काफी देर से भाग रही है, मगर हर बार ये उसी जगह पर आकर रुक रही थी जहाँ से इसने भागना शुरू किया था। दोस्तों, हम देखते हैं कि ये स्पिरिट उस लड़की के पास आकर पहले तो उसे घूरती है और फिर उसके बाद वो उसे जान से मार देती है। वही दूसरी तरफ उस लड़की की फ्रेंड उसे ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ आने लगती है, और इस बार ये स्पिरिट उसे भी जान से मारने के इरादे से उसका पीछा करने लगती है, और यही इस फोर्थ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये स्पिरिट इस लड़की को भी उसके फ्रेंड की ही तरह जान से मार देगी, या फिर ये लड़की स्पिरिट से अपनी फ्रेंड की मौत का बदला लेगी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताए। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस हॉरर ड्रामा के टोटल 8 एपिसोड्स है, मगर हमने आपके सामने अभी इसके सिर्फ 4 एपिसोड्स को ही एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसके अगले 4 एपिसोड्स को देखने हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट्स करके हमें बताना है क्या हम इसके अगले 4 एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करें या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।